हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 8, चैप्टर नंबर 4, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज आवर टॉपिक टुडे, सो वी आर स्टार्ट रीडिंग। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हुए हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सभी फंक्शन करते हैं, सभी काम करते हैं। इट कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, एग्जाम्पल बता दें, जैसे कि फूड को कैप्चर भी करते हैं, उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है सांस लेना, एक्सक्रेट भी करते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, ग्रोथ भी करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस होता है एक सेल से दो सेल बनना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होती हैं, उनके अंदर स्पेशल फंक्शन होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स है, डाइजेशन करने के लिए इंटेस्टाइन होती है। ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन फ्रॉम ए टिश्यू। कह रहे हैं कि एक सेल्स का ग्रुप होता है जो कोई अलग फंक्शन करता है उसको बोलते हैं टिश्यू, कि बहुत सारे सेल मिलकर ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है और वो अलग काम करता है उसको बोलते हैं टिश्यू। एग्जाम्पल बता रखा है नर्व सिस्टम, जैसे नर्व टिश्यू है हमारा, वो काफी सारे सेल मिलकर नर्व सेल मिल जाती है और नर्व सेल मिलकर टिश्यू बनाती है और इसका काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन। अब कह रहा है कि जो एक तो यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट है, अब ये काफी सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन, और इसका एग्जाम्पल बता दिया इसने किडनी। किडनी एक ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को क्योर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन किडनी के अंदर काफी सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वे सभी टिश्यू मिलकर किडनी बनाते हैं। ए नंबर ऑफ सच ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम। अब कह रहा है कि जैसे कि ऑर्गन इसने किडनी बताई है, उसी तरह काफी सारे ऑर्गन इकट्ठे हो जाते हैं और साथ में वे काम करते हैं, तो उनके सबके मिलने से वहां पर बनता है ऑर्गन सिस्टम। ये सारा का सारा इसने डायग्राम में दिखा रहा है कि सेल है और ग्रुप ऑफ सेल बोलते हैं टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा तो उसको बोलते हैं ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो इसने ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल बताया यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम खाना पचाते हैं, उसके अंदर काफी सारे ऑर्गन मिले हुए हैं, जैसे माउथ है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। उसके बाद है डज द सेल हैव सम फंक्शन फीचर बट दे अपियर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट लाइक ब्लड। कह रहे जो सेल्स होती हैं कि उन कुछ सेल्स का कॉमन फीचर होता है, कॉमन फीचर होता है कि उनमें कुछ समानता होती है, लेकिन बट दे अपियर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइक ब्लड, कि अलग अलग पार्ट में वे अलग अलग दिखाई देती है, जैसे कि ब्लड है, लीवर इन एनिमल, रूट और लीव्स इन प्लांट, इवन प्लांट एंड एनिमल सेल शो सम मेजर डिफरेंस। कह रहे हैं कि प्लांट और एनिमल की जो सेल्स होती है उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कह रहा है कि यहाँ पर इसने ये बताया इस पैराग्राफ में कि जो सेल्स होती है उनमें कुछ ना कुछ अलग होता है, जैसे कि ब्लड सेल्स है, लीवर सेल्स होती है, रूट की पत्तियों की सेल्स, उनमें कुछ ना कुछ अलग होता है, तभी वे अलग अलग काम करती है। लेट अस कंपेयर देम, कंपेयर बता रखा है नीचे, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑल्दो ऑल लिविंग सेल हैव सर्टेन कॉमन फीचर। कह रहा है कि सेल्स के अंदर कुछ कॉमन भी होता है, दोनों में समान भी होता है। द डिटेल स्टडी रिवेल्स सम मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कह रहा है कि नीचे हम प्लांट और एनिमल्स का कुछ स्टडी कर रखे हो और इसमें हम डिफरेंस बता रखे हैं। नीचे तो डायग्राम है, ये एनिमल सेल का है और ये प्लांट सेल का है, इन दोनों में समानता भी बहुत सारी है और डिफरेंट भी बहुत सारी है। प्लांट सेल जनरली हैव डेफिनेट शेप ड्यू टू ए रिजिड सेल वॉल। देखो कह रहा है कि प्लांट सेल होती है जो पेड़ पौधों के अंदर जो सेल होती है उसकी शेप डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, ये पिछले पहली लाइन में ये बात बताई है। उसके बाद कह रहा है कम एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों अलग अलग होती है, जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हो जाती है,
लेकिन एनिमल सेल्स में ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है। दिस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एनिमल सेल। अब कह रहा है कि यही वजह है कि एनिमल सेल्स होती है उनकी शेप फिक्स नहीं होती है, वो शेप चेंज होती है। ड्यू टू विच दे शो ए लार्ज वेरिएशन इन शेप, इसलिए उनकी शेप चेंज होती रहती है। मोर एवर प्लांट सेल हैव प्लास्टिड। अब कह रहा है कि प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होता है जो एनिमल सेल्स के पास नहीं होता है, जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड हमने पढ़ा था ऊपर, जो प्लास्टिड होता है दो प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पिगमेंट में होता है और क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल पिगमेंट होता है, जो फ्रूट का, फ्लावर का, इन सबका कलर होता है। प्लांट सेल जनरली हैव लार्ज वैक्यूल्स। अब कह रहा है कि प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होता है, बड़ा सारा होता है, वैक्यूल्स बड़ा होता है, और एनिमल सेल में वो बहुत ही छोटा होता है, लैक वैक्यूल। कई सेल ऐसी होती है जिनमें वैक्यूल होता ही नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस थे। ये जो डायग्राम है ये भी आपको कॉपी में बनानी है, दोनों डायग्राम एनिमल सेल्स का और प्लांट सेल। सेल कंपोनेंट अब ये डिफरेंट बता रखा है, मेनली जो सेल वाल होती है अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर अब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड है प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा और एनिमल्स में अब्सेंट रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है। एक लास्ट डिफरेंस है वैक्यूल्स, प्लांट सेल में इसका साइज लार्ज होता है और एनिमल्स में स्मॉल होता है, या फिर ये होता ही नहीं है। ये डिफरेंस थे प्लांट और एनिमल सेल्स के। उसके बाद अगला टॉपिक है सेल डिवीजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।